अपनी ही पार्टी के खिलाफ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी टिप्पणियों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा संसद लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी ही पार्टी के लिए एक बड़ा खुलासा किया है और कहा है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर लोकसभा चुनाव नहीं जीत सकती। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस चुनाव में 180 सीटों में ही सिमट कर रह जाएगी। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट पर लिखा है, अयोध्या में मुलाकात के दौरान मुझे राम मंदिर के बारे में पता चलने का एहसास हुआ कि वो बहुत मजबूत है। अगर वो वोट तय करते हैं तो हम 180 सीटों को पार नहीं कर पाएंगे। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और निराशा को दूर किया जाना चाहिए। बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी का ये ट्वीट ऐसे समय पर आया है जब लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी की 95 सीटों के लिए मतदान आज शुरू हो रहा है। बता दें कि दूसरे चरण में तमिलनाडु की सभी 49 में से 38 लोकसभा सीटों के साथ राज्य की 18 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। इसके अलावा बिहार की 40 में से 5 सीट और जम्मू कश्मीर में 6 में से 2, उत्तर प्रदेश की 80 में से 8, कर्नाटक की 28 में से 14, महाराष्ट्र की 48 में से 10 और पश्चिम बंगाल की 42 में से 3 सीटों पर मतदान आज हो रहा है। इस चरण में असम और उड़ीसा की 5-5 सीटों पर भी मतदान हो रहा है। चुनाव आयोग ने मतदान को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा का कड़ा इंतजाम किया। लोकसभा की 543 सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव होना है। इससे पहले 11 अप्रैल को ये चुनाव 20 राज्यों की 91 सीटों पर मतदान हो चुका है। मतगणना 23 मई को होगा। इस बार बीजेपी की हार मानो तय हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।